हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीबी प्रो एजुकेशन। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश जेएनएम नर्सिंग 2024 के जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा एग्जाम सेंटर पर जाते टाइम, प्लस में आपके जो एग्जाम्स में मोस्टली बात करेंगे वो करेंगे हम एग्जाम्स में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। कैसे आपको ओएमआर सीट है वो फिल करनी होगी, प्लस में ओएमआर सीट के अलावा दोस्तों जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं एग्ज़ाम में कि कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो रूल ऑफ होते हैं ना यूनिवर्सिटी के, उनके खिलाफ चले जाते हैं ना, ठीक है। तो उनसे क्या प्रॉब्लम होगी, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कहना चाहूँगा, अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो न्यूज़ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आ सके, ठीक है। तो दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और व्हाट्सअप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको वहाँ से पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएँ। ओके, जो भी जेएनएम की क्लासेस चल रही हैं उनकी सारी पीडीएफ आपको वहीं पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ, ठीक है। जो हमारा वीडियो, जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं, क्या रहने वाला आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही खास है वैसे तो, ठीक है। अब बात करते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट में आपको क्या करना होगा, देखिए आपको सबसे फर्स्ट में मैं एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स की मेरे पास कमेंट आए थे बच्चों के, कि डॉक्यूमेंट्स की जो वीडियो है मैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं उसकी वीडियो मैं जल्दी आपको प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। एग्जाम से पहले पहले आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगा क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, क्या क्या आपको सावधानियाँ बरतनी होंगी। उससे पहले मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि दो गलतियाँ कौन कौन सी हैं जो कि स्टूडेंट्स करते हैं, इनको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और एग्जाम टिप्स के बारे में आपको कुछ बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, जैसे ही दोस्तों आप एग्जाम सेंटर पर जाते हो तो सबसे पहले तो कि आपको जो पेन है ना, पेन का सबसे बड़ा इश्यू आ रहा है बच्चों का कि सर पेन रेड और ब्लू ब्लैक कौन सा ले जाना होता है। तो भाई आप अपनी तरफ से ब्लू ब्लैक पेन ले जा सकते हो, रेड तो आपको कभी भी यूज नहीं करना है, ठीक है। बाकी पेन आपको एग्जाम सेंटर पर दिया जाएगा, ठीक है, वहीं पर सेंटर पर आपको पेन दिया जाएगा एग्जामिनर्स के द्वारा, ठीक है। जिस कॉलेज में आपकी एग्जाम्स होगी वहाँ पे आपको पेन मिल जाएगा, ठीक है। और सबसे फर्स्ट बात आती है दोस्तों, ओएमआर में जो डिटेल्स बोलते हो आप, वो डिटेल्स आपको सही भरनी होंगी, ठीक है। डिटेल्स आपको बिल्कुल एक्यूरेट भरनी होंगी। कैसी डिटेल्स आपको एक्यूरेट भरनी होंगी, सबसे मोस्ट होता है वो होता है हमारा रोल नंबर, ठीक है। तो डिटेल्स में हमें रोल नंबर सबसे अच्छे से भरना होगा, बिल्कुल एक एक बार देख के, एक एक वर्ड देख के, ठीक है, एक एक मीनिंग देख के, एक एक लेटर देख के आपको रोल नंबर भरना होगा, ठीक है। तो रोल नंबर आप भरोगे एक एक अक्षर देख के, ठीक है, तो आपको रोल नंबर करेक्टली भरना होगा, क्योंकि रोल नंबर ही मोस्ट होता है ओएमआर सीट में। बहुत से बच्चे क्या है, रोल नंबर को मिस कर देते हैं या फिर रोल नंबर्स को उल्टा सीधा कर देते हैं, मतलब उनसे गलती हो जाती है, बाई चांस कोई करता तो कोई नहीं बट हो जाती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वो जो उनकी ओएमआर सीट होती है वो कहीं और चली जाती है, दूसरे स्टूडेंट के नाम पर खुल जाती है, ठीक है, जो रोल नंबर है, या फिर उनकी जो ओएमआर सीट है वो वहाँ पर सोनी होगी, ठीक है। जो स्टूडेंट, जिस स्टूडेंट का जो रोल नंबर वो फिल कर रहे हैं, जो गलती कर रहे हैं, जिससे किसी और का नंबर मिल रहा है, ठीक है, तो उसकी वो ओएमआर सीट खुल जाएगी, ठीक है। तो आपको सबसे फर्स्ट तो आपको रोल नंबर सही से भरना होगा अपने ओएमआर सीट में, प्लस में अब बात आती है जो आप आंसर दोगे तो वहाँ पे आपको चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है, आपको चार गोले देखने को मिलेंगे, आपको एक फिल करना होगा। तो प्यारे बच्चों, आपको गोला सही से फिल करना होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ ना, देखिए यहाँ पे जैसे मैं फिल कर रहा हूँ, ऐसे आपको बिल्कुल गोला एक्यूरेट फिल करना होगा, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे कैसे गोला फिल कर देते हैं, तो उससे क्या है, वो करेक्ट आंसर नहीं माना जाता। और एक चीज़, अगर आप पे कभी भी आंसर गलत हो जाता है ना, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका, मान लीजिए आप पे गलती से गलत भरा हुआ गया ऑप्शन, सही कोई और था, आपने गलत भर दिया, मिस हो गया, तो आपको खुद डिसीजन नहीं लेना होगा, ठीक है। आपको डिसीजन कैसे लेना होगा, आपको जो एग्जामिनर है उससे गाइड लेनी होगी, ठीक है, उससे आपको गाइड होना होगा, उससे आपको पूछना पड़ेगा कि सर इसमें क्या करें, हमसे जो मिस्टेक हो गई है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो गोला सही करना होगा, ठीक है, उसका आंसर करेक्ट देना होगा, आपको खुद डिसीजन नहीं लेना होगा, ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल, ठीक है। और एक आपको मैंने बता ही दिया, पिछली जो वीडियो को डाली है मैंने, उसमें मैंने आपको बता दिया कि आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको क्वेश्चन सारे हल करने हैं, ठीक है। किस बात का ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपको सारे हल करने हैं, ठीक है। और पेन आपको सेंटर पर मिल जाएगा। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है दोस्तों, उसकी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यूएफएम केस के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि मैं आपको अभी बताता हूँ। ओके, एक मिनट प्यारे साथियों। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे परीक्षा केंद्र पर पालन किए जाने वाले निर्देश मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या रहेगा, 9 बजे से रहेगा, ठीक है। परीक्षा आपकी कब प्रारंभ होगी, परीक्षा प्रारंभ होने से 2 घंटे पूर्व से आपका रिपोर्टिंग टाइम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका रिपोर्टिंग टाइम 2 घंटे पहले से स्टार्ट हो जाएगा, ओके, ठीक है। आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा
वो 9 बजे से रहेगा, यानी कि आपके एग्ज़ाम 11 बजे से स्टार्ट हो रही है, तो आपका रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और 2 घंटे पहले ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यानी कि 11 बजे से आपके एग्ज़ाम है और आपके 10-15 के बाद में एंट्री नहीं ली जाएगी, ठीक है। तो यानी कि आपकी 1.25 घंटे तक करीबन एंट्री रहेगी, तो आपको एग्ज़ाम सेंटर पर पहले ही पहुँचना होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट्स हैं BSc नर्सिंग वाले, उनके मेरे पास कमेंट आए थे, उनके मैसेज आए थे कि सर हमें एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री नहीं दी गई थी, हम ओनली 5 मिनट लेट हुए थे, ठीक है। तो आपको लेट नहीं होना है, ठीक है। आप लेट हो गए तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। अब वो डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर, वहाँ पे कैसा स्टाफ है, कैसे वहाँ पे सिक्योरिटी है, ठीक है। अगर वहाँ से एंट्री दे देते हैं आपको तो ये आपकी किस्मत मानो, बाकी ऐसे एंट्री देते नहीं है, आप लेट हो जाओगे तो, ठीक है। आपको बाकी सेंटर पे पहले ही पहुँचना होगा और आधे घंटे पहले आपको पहुँच जाना होगा, ठीक है। देखिए और क्या कह रहा है, बायोमेट्रिक कैप्चरिंग की जाएगी, आपकी जो बायोमेट्रिक कैप्चरिंग हुई वहाँ पे आप जब एंट्री करोगे ना परीक्षा केंद्र पर, तो वहाँ पे आपकी बायोमेट्रिक कैप्चरिंग होगी, यानी कि आपकी बायोमेट्रिक से जांच होगी, या आप ही हो या फिर किसी और हो, यानी कि आपके फिंगर लगेंगे वहाँ पर, ठीक है। फिंगर लगे आपके तब जाके आपकी परीक्षा केंद्र में अनुमति दी जाएगी, वरना अगर फिंगर आपका बायोमेट्रिक में असफल है, यानी कि आपका फिंगर सही नहीं लग रहा है, तो आपको बायो वहाँ पर प्रवेश के परीक्षा केंद्र में आपको प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, ओके। आपको ये मैंने बता ही दिया है, आपको 10:15 बजे के बाद परीक्षा केंद्र में अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो आपको 10:15 बजे से पहले ही एंट्री उसमें करनी होगी। अब देखिए मेन जो आता है वो आता है आपका क्या आता है, ठीक है। देखिए अभ्यर्थी को ये सुनिश्चित करना होगा कि उसने परीक्षा कक्ष छोड़ने से पूर्व OMR की मूल प्रति, कार्यालय प्रति और प्रश्न पुस्तिका पर्यवेक्षक को सौंप दी है। ऐसा नहीं करने पर यह अनुचित साधन का प्रयोग माना जाएगा। अब यहाँ पे आता है ना, वो आता है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनुचित साधन का प्रयोग। अनुचित साधन का प्रयोग क्या होता है मैं आपको यह बताऊंगा, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए बताने जा रहा था, ठीक है। तो अनुचित साधन का प्रयोग, अनुचित साधन का प्रयोग मैं आपको बताऊंगा, अभी रुकिए थोड़ा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि कक्ष छोड़ने से पूर्व OMR, यानी कि आपको OMR सीट है वो एग्जामिनर को सबमिट करवानी होगी, ठीक है। तो प्रति एवं प्रश्न पुस्तिका, ठीक है। तो आपकी ऑफलाइन होगा एग्जाम में, तो आपकी जो क्वेश्चन बुकलेट आएगी, ठीक है, क्वेश्चन बुकलेट आएगी, वो भी आपको एग्जामिनर को देनी होगी। अगर आप उसको नहीं देते हो, जैसा कि BSc नर्सिंग जो एग्जाम्स हुए थे, ठीक है, UP में, तो BSc नर्सिंग के एग्जाम्स में हुआ था ऐसा, ठीक है, कि किसी कोई बच्चे ने ऐसा हुआ था कि किसी बच्चे ने एग्जामिनर को देनी थी क्वेश्चन बुकलेट, ठीक है, और एग्जामिनर को भी ऐसा पता नहीं था कि इस क्वेश्चन बुकलेट हमें लेनी है। बच्चे ने पूछा, उन्होंने बोल दिया कि ले जाओ, और बच्चे लेकर चले गए, ठीक है। तो उसे ऐसा कुछ मैटर हुआ था कि भाई पेपर वायरल हो गया, पेपर वायरल हो गया। बाकी रियलिटी ऐसी थी कि टीचर को पता ही नहीं था हमें क्वेश्चन जो बुकलेट है, पेपर है, वो हमें सबमिट करना होता है, ठीक है। उन्होंने बोल दिया बच्चों को और बच्चे लेकर चले गए, ठीक है। तो आपको तो ऐसा नहीं करना है कि अगर पेपर मिल रहा है तो आप लेके आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट दे रखे हैं, ठीक है, जो भी गाइडलाइंस है वो यहाँ पर क्लियर मैंशन कर रखी है। तो आपको आपकी क्वेश्चन बुकलेट और OMR है वो एग्जामिनर को सबमिट करवानी होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखिए क्या है, बैड आइटम, ठीक है। बैड आइटम मतलब प्रतिबंधित वस्तुएं, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें आपको वहाँ पे नहीं ले जानी। अगर आप इन चीज़ों को ले जाते हो और वहाँ पे पकड़े जाते हो चेकिंग फ्लाइंग के द्वारा, तो आपके UFM का केस लग जाएगा, ठीक है। अब UFM क्या होता है मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊँगा, UFM क्या होता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है बच्चों को, बच्चों का रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है, क्या इफेक्ट आता है। देखिए कौन कौन सी चीज़ें जो कि ले जाना मना है, ठीक है। देखिए कोई भी वस्तु जैसे पाठ्य सामग्री, मुद्रित या लिखित, यानी कि ये प्रिंटेड हो चाहे वो हस्तलिखित हो, ठीक है, कागज़ या फिर ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, ठीक है, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, ठीक है, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, पेन, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, रबड़, लीग, लॉग टेबल, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉनिक पेन, इसके अंदर आपको कुछ भी ले जाना नहीं होगा, वहाँ पे अलाउ नहीं है बिल्कुल। आपको पेन भी एग्जामिनर एग्जाम सेंटर पे दिया जाएगा, ठीक है, आपको पेन भी अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। कोई भी संचार का उपकरण जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, ब्लूटूथ एयरफोन हो गया, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड हो गया, स्मार्ट वॉच, आपको कुछ भी ले जाना नहीं है। अगर वहाँ पे आपको एग्जामिनर, वहाँ पे आपकी चेकिंग होती है, ठीक है, आप जब एंट्री करोगे सेंटर पे तो वहाँ पे आपकी चेकिंग होगी। अगर वहाँ से अगर गलती से भी वो नहीं पकड़ पाते आप लेकर जाते हो, तो आपको ऐसा नहीं करना होगा, ठीक है, क्योंकि अंदर एग्जामिनर में, एग्जाम हॉल में अगर आप पकड़े जाओगे वहाँ पे, तो ये आप पे UFM का केस लग जाएगा, आपका रिजल्ट रुक जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना होगा, आपको पहले से ही सारी चीज़ें बाहर निकालने नहीं होंगी। जैसे कि देखिए पर्स हो गया, चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग हो गया, टोपी, ये बिल्कुल अलाउ नहीं है सारी चीज़ें, ठीक है। किसी भी प्रकार की घड़ी होगी, कंगन हो गया, कैमरा, कुछ भी आपको अंदर ले जाना अलाउ नहीं है। देखिए क्या है, किसी भी प्रकार का आभूषण, धातु की वस्तुएं, कुछ भी आपको अलाउ नहीं किया गया, भाई आपको सारी चीज़ें बाहर ही खोल कर रख के जानी होंगी, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई भी खाद्य पदार्थ, पानी की बोतल, कुछ भी नहीं ले जाना अलाउ है भाई, ठीक है। अब देखिए अनफेयर मीन्स,
ये क्या, कोई भी अन्य वस्तु जिसका प्रयोग संचार उपकरणों से छुपाकर अनुचित साधनों के प्रयोग के लिए किया जाता है। अनुचित साधन मतलब जो कि अलाउ नहीं है, यूनिवर्सिटी के नियमों के विरुद्ध है। अनुचित यानी कि जो उचित नहीं है उनको ले जाना, उनको बोलते हैं हम अनुचित, ठीक है। जिनको ले जाना उचित नहीं है यानी जिनको ले जाना सही नहीं है, ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे हम, अनुचित साधन, अनुचित साधन, ठीक है। जैसे कि हो गया देख, माइक्रोचिप हो गया, कैमरा हो गया, ब्लूटूथ उपकरण हो गए, ये सारे क्या है, अनुचित साधन हो गए, ठीक है। यह सूची लंबी है परंतु अंतरिम है, ठीक है, अंतरिम नहीं है, ठीक है। अब देखिए अनफेयर मीन्स क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ, मेन पॉइंट हमारा वो यही है, अनफेयर मीन्स एग्जामिनेशन, ठीक है। क्या होता है, क्या इससे बच्चे पे इफेक्ट आता है, ठीक है। देखिए अनुचित साधन एक ऐसा प्रयोग, ऐसी गतिविधि है जो कि परीक्षार्थी को दूसरे परीक्षार्थी की तुलना में अनुचित लाभ प्रदान करती है, ठीक है। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, ठीक है। अब क्या है, देखिए क्या क्या सम्मिलित है इसमें, कोई किसी भी ऐसी वस्तु को अपने पास रखना जो निषिद्ध है, निषिद्ध यानी कि अलाउड ही नहीं है, ठीक है, वहाँ पे रखना उसको अलाउड ही नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि चिट वगैरह फेंक देते हैं, कोई फेंक देता है अपने पास में पड़ी हुई है, तो उसको हटा दें प्लीज़, ठीक है, क्योंकि यह निषिद्ध है, यह वहाँ पे अलाउड नहीं है। जिसका अनुचित व्यवहार के लिए उपयोग किया जाता है, अनुचित व्यवहार यानी कि उसको टीपने के लिए काम में लिया जाता है, अनुचित व्यवहार का मतलब क्या है, टीपने के लिए काम में लिया जाता है, इसके लिए उसको निषिद्ध माना जाता है, ठीक है। जैसे कि स्टेशनरी आइटम हो गया, स्टेशनरी मैंने अभी बताया ना, चिट वगैरह, तो चिट में क्या आते हैं अपने कॉपी वगैरह, पेज वगैरह, ठीक है, संचार उपकरण हो गए, खाद्य पदार्थ हो गए, आभूषण, ये सारे आते हैं, ठीक है। और देखिए परीक्षा देने के लिए या नकल के लिए सामग्री तैयार करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति का उपयोग करना, यानी बोलते हैं ना कि भाई किसी अन्य व्यक्ति बाहर खड़ा है और उसको कोई भी ऐसी डिवाइस के थ्रू उसको टिपाई करा रहा है, तो ये सारे अनफेयर मीन्स में आ जाएंगे। अगर पकड़े गए तो आप पे एक केस लग जाएगा, UFM का केस जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, UFM का केस बोला जाता है, ठीक है। तो आप पे UFM का केस लग जाएगा, आपका रिजल्ट रुक जाएगा और आपको वहाँ पे यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी आपको बुलाया जाएगा, हो सकता है आपके पेरेंट्स को भी वहाँ पे बुलाया जा सके, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी सारी पूछताछ वगैरह सारी चीज़ों के लिए यूनिवर्सिटी बुलाया जाएगा, ठीक है। देखिए परीक्षा नियमों के UPGET 2024 के संचालन संबंधी ABBM यानी जो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटियाँ आपकी, ठीक है, समय समय पर जारी निर्देशों का उल्लंघन करना, यानी उसके जो भी निर्देश जारी हुए हैं, जिसने भी उसके नियम हैं उनका अगर आप उल्लंघन करते हो तो आप UFM के केस के अंडर माने जाओगे, ठीक है। अब देखिए और आगे क्या दे रखा है, आगे अन्य अभ्यर्थियों को कदाचार में शामिल होने में सहायता करना, कदाचार में शामिल होने में मतलब वहाँ पे कोई भी ऐसा जो कि रूल अलाउ नहीं है वहाँ पे, ठीक है, जो कि नियम के विरुद्ध है, उनको सहायता कर रहा है, यानी कि कोई चीटिंग कर रहा है, हम उसकी मदद कर रहे हैं, तो हमें ऐसा काम नहीं करना होगा, ठीक है। किसी की मदद भी नहीं करनी होगी भाई, क्योंकि एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है ना, ठीक है, तो अपने को अपना ध्यान रखना है बस, किसी की कोई सहायता नहीं करनी होता है ना, कभी कभी दूसरे का भला करने खुद का बुरा हो जाता है, तो आपको ऐसा नहीं करना होगा। उत्तर के लिए प्रदान की गई पुस्तिका के अतिरिक्त किसी अन्य सामग्री पर प्रश्न या उत्तर लिखना, यानी कि आपको जो क्वेश्चन बुकलेट दी जाएगी प्लस में आपको जो OMR शीट जाएगी उस पर आपको कोई भी पेन वगैरह नहीं चलाना होगा, ओके, पेन नहीं चलाना होगा, प्लस में आपको ना ही कोई लिखना होगा ऐसा कोई भी वर्ड या फिर कोई भी आपको कोई भी ऐसी वहाँ पे स्पेलिंग वगैरह कोई भी कुछ नहीं लिखना होगा, ठीक है। आपको पेन ही नहीं चलाना होगा, आपको ओनली फॉर OMR भरनी होगी, ठीक है। उत्तर पुस्तिका या फिर प्रश्न पुस्तिका का कोई भी पृष्ठ फाड़ना, यानी कि आप अगर OMR का या फिर क्वेश्चन बुकलेट का कोई भी पेज फाड़ते हो तो भी आप UFM केस के अंडर में आओगे, ठीक है। और देखते हैं क्या क्या नियम है, परीक्षा केंद्र में परीक्षा के दौरान परीक्षा स्टाफ के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क या संबंध करना, ऐसा करने का प्रयास करना, यानी परीक्षा केंद्र में जो स्टाफ है उसके अतिरिक्त एग्जामिनर से आपके उसके अतिरिक्त अगर कोई व्यक्ति से आप संवाद करते हो, बातें करते हुए पाए जाते हो, ठीक है, संवाद या फिर संपर्क यानी उससे बातें करते हुए या फिर आई कॉन्टैक्ट वगैरह करते हुए टीपते हुए आप अगर पाए जाते हो तो आप UFM केस के अंडर में आओगे, ठीक है। अब UFM केस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी थोड़ा और देख लीजिए। उत्तर पुस्तिका यानी OMR की मूल प्रति और OMR की कार्यालय प्रति परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाना, यानी कि आपको मैंने बताया ना क्वेश्चन बुकलेट और OMR अंदर ही सबमिट करानी होगी, आपको बाहर नहीं ले जानी होगी, अगर आप बाहर ले जाओगे तो UFM केस के अंडर आओगे, ओके। प्रश्न पुस्तिका या फिर उसके भाग को बाहर ले जाना, आपको प्रश्न पुस्तिका, ठीक है, क्वेश्चन बुकलेट या फिर उसका कोई भी हिस्सा फाड़ कर अगर बाहर ले जाते हो आप तो आप पे UFM का केस लगेगा अगर पकड़े जाओगे तो, ओके। परीक्षा संचालन से जुड़े किसी भी व्यक्ति या किसी अभ्यर्थी को धमकाना, यानी कि दादागिरी करते हैं ना बहुत से लोग, आप में भी ऐसे होंगे जो कि दादागिरी करते हैं, ठीक है, तो आपको ये भी काम नहीं करना है। वहाँ पे आप दादागिरी करने लग जाओ, पता चले कि बाद में आपका रिजल्ट रोक लिया जाएगा, भाई हो गया हमारा तो GNM में एडमिशन, ठीक है, तो आपको यूनिवर्सिटी के चक्कर काटने पड़ जाएंगे भाई, लेने के देने पड़ जाएंगे एग्जाम की जगह पे, तो आपको ऐसा नहीं करना होगा। वहाँ पे आपको बिल्कुल सिंसियर रह के आपको एक आपका जो 3 घंटे का पीरियड है, 3 घंटे का जो टाइम ऑफ पीरियड है वो आपको वहाँ पे निकालना होगा, ठीक है, बिल्कुल कॉन्स्टेंटली आपको एग्जाम देना होगा, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होगा, ठीक है।
और देखिए ऑनलाइन दस्तावेजों जैसे एडमिट कार्ड, रैंक लेटर, स्व घोषणा आदि में हेर फेर आदि, ठीक है, आपको ऐसी हेर फेर भी नहीं करनी, जैसे एडमिट कार्ड उल्टे सीधे कर दो या फिर उन पे कुछ लिख के ले जाओ, ठीक है। परीक्षा केंद्र कक्ष से बलपूर्वक प्रवेश या निकास, ठीक है, बलपूर्वक मतलब समझ रहे हो, जैसे कि वहाँ पे भीड़ लगी हुई है और आप जैसे वहाँ की सिक्योरिटी है उससे चोरी करके उसमें अंदर चले जाओ या फिर बाहर निकल जाओ, वहाँ पे एंट्री अलाउ नहीं है और आप एंट्री कर जाओ, ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना होगा, ठीक है। कक्ष निरीक्षक या फिर परीक्षा से संबंधित किसी व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करना है, यानी कक्ष निरीक्षक आपके जो भी एग्जामिनर्स हैं उनके साथ में आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना होगा जो कि उनको उल्टा लगा, अगर उन्होंने शिकायत दर्ज करा दी तो आप पे UFM का केस लग जाएगा। बच्चों ये सारे पॉइंट्स हैं वो UFM केस से रिलेटेड है, मैंने आपको जो भी बताया ना, ठीक है। देखिए परीक्षा केंद्र में प्रवेश के पश्चात किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग करना या फिर उपयोग करने का प्रयास करना, आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र, प्रोफॉर्मा पर गलत या बदली हुई तस्वीरें चिपकाना, अपलोड करना, ठीक है, ये सारी हैं, मुद्रित मिटाने का प्रयास करना, ठीक है, OMR उत्तर पत्रक पर गलत जानकारी देने या रोल नंबर, टेक्स्ट, बुकलेट, अभ्यर्थी का नाम, माता पिता का नाम, स्वयं के हस्ताक्षर को ओवरराइट करना, ठीक है। ओवरराइट मतलब होता है कि उनको आपको वापस दो दो तीन तीन बार पेन नहीं चलाना होगा, ठीक है। अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है, मैंने आपको बताया ना, आप जैसे ही OMR भरोगे तो आपको रोल नंबर, अभ्यर्थी का नाम, माता पिता का नाम, आपको सारा भरना होगा वहाँ पर, है ना। तो आप पे अगर कोई भी गलती हो जाती है तो आपको एग्जामिनर से सलाह लेनी होगी, तब जाके आपको वो भरना होगा, ठीक है। आपको खुद ही डिसाइड नहीं करना है, आप भर दोगे तो ये ओवरराइट करना, ओवरराइट यानी आप उसको खुद ही सुधार लोगे, आपको ऐसा नहीं करना। अगर आप ओवरराइट करते हुए पाए जाते हो, सुधारते हुए पाए जाते हो, ठीक है, तो आप पे UFM का केस लग जाएगा, यानी कि ये यूनिवर्सिटी के नियम के विरुद्ध है, ठीक है। UFM केस का मतलब समझ रहे हो, UFM अनफेयर मीन्स, यानी जो यूनिवर्सिटी के जो नियम्स हैं उनके विरुद्ध, ठीक है, जो कि अलाउड ही नहीं है ऐसे काम करना वहाँ पे। अगर ऐसे काम करना आप पकड़े जाते हो, जो भी आपको ये डायरेक्शंस दे रखी है उनका आप पालन नहीं करते हो, तो यहाँ पे UFM केस का केस लग जाएगा, ठीक है। तो जैसे परीक्षा परिणाम घोषित होने से पहले बाद में जांच की गई वेबसाइट पर अपलोड की गई OMR शीट के उत्तरों में हेरफेर करके फर्जी व दावे करवाना, ठीक है, फर्जी दावे करना, यानी कि आपकी OMR शीट में भी हेरफेर नहीं करनी, आपको रिजल्ट घोषित होने के बाद में या फिर पहले बोलते हैं ना कहीं पैसे दे दे भाई मेरी OMR शीट है वो सही हो जाएगी, सारे क्वेश्चन सही करवा देंगे, 1 लाख रुपए दे दिए किसी ने, कोई ने 10,000 रुपए दे दिए, भाई कितने भी दो, चाहे 10,000 दो चाहे 5,000 दो, बहुत से सोचते होंगे भाई एडमिशन हो जाएगा हमारा, किसी को घूस देते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना होगा आपको, ठीक है। तो परीक्षा की सुचारू एवं निष्पक्ष संचालन में बाधा उत्पन्न करना, यानी कि परीक्षा जो संचालन हो रहा है जो परीक्षा का सुचारू रूप से, ठीक है, उसमें कोई भी आप अगर बाधा उत्पन्न करते हो, वहाँ पर लड़ाई दंगे करते या फिर किसी टीचर से अव्यवहार करते हुए पाए जाते हो आप, ठीक है, तो भी यहाँ पे UFM का केस लग जाएगा। ओके, विश्वविद्यालय द्वारा अनुचित साधनों के रूप में घोषित की गई अन्य कदाचार। ओके, अब देखिए दंड क्या होगा, मैं बता रहा ना अभी आपको UFM केस के बारे में आपको बताऊंगा, UFM केस में होता क्या है, ठीक है, दंड क्या होगा आपका। देखिए परीक्षा के दौरान उसके पूर्व या फिर पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी उपरोक्त में से किसी सामान्य गतिविधि में लिप्त होता है, यानी इन सब पॉइंटों में मैंने आप बताया आपको, उनमें से अगर किसी भी पॉइंट में आप अगर गलत पाए जाते हो तो आप पे अनुचित व्यवहार या फिर प्रयोग करने वाला व्यक्ति माना जाएगा, ठीक है, यानी UFM केस के अंडर में आओगे आप, ठीक है, तो आपके कार्रवाई की जाएगी यूनिवर्सिटी के थ्रू। परीक्षार्थी को भविष्य में 3 वर्षों के लिए परीक्षा देने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों देखिए बहुत बहुत लफड़े हैं एक तरह से बोले ना, तो देखिए 3 वर्षों के लिए परीक्षा देने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अगर आप ऐसा केस करते हो, ऐसे व्यवहार करते हुए पाए जाओगे तो आपको 3 वर्षों के लिए परीक्षा देने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, यानी 3 वर्षों तक आप कोई भी एग्जाम नहीं दे पाओगे, ठीक है, ना तो यूनिवर्सिटी के एग्जाम दे पाओगे, नहीं आप एंट्रेंस एग्जाम दे पाओगे, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना होगा डियर स्टूडेंट, ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कराई है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, 3 वर्षों के लिए देखिए परीक्षा देने से प्रतिबंधित कर रहे हैं अगर ऐसे कुछ पाया जाए तो, ठीक है। देखिए कलेक्शन ऑफ रिजल्ट, यानी परीक्षा परिणाम आपका रद्द हो जाएगा, आपका रिजल्ट रोक लिया जाएगा, ठीक है, आपका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। ओके, देखिए UPGET 2024 में सम्मिलित परीक्षार्थियों अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाए जाएंगे तो उनका परिणाम रद्द कर घोषित नहीं किया जाए, आपका परिणाम रद्द कर दिया जाएगा, आपका घोषित नहीं किया जाएगा। आप चेक करोगे ना रिजल्ट तो आपको रिजल्ट ही नहीं दिखेगा आपका, ठीक है, अगर UFM केस लिखा आएगा वहाँ पे। ओके, अगर आप पे UFM केस लगेगा तो वहाँ पे आपका रिजल्ट ही शो नहीं होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार उन अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम जो अपने आवंटित केंद्रों के अतिरिक्त किसी अन्य केंद्र पर परीक्षा देते हैं, यानी कि अपना जो केंद्र आप उनको आवंटित हुआ है मिला है, अपना जो परीक्षा केंद्र मिला है उसके अलावा किसी अन्य परीक्षा केंद्र पर वो एग्जाम देते हुए पाए जाते हैं तो ये भी UFM केस के अंदर आता है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे देखिए, टेक्स्ट बुकलेट OMR शीट पर लिखते हैं, अन्य अभ्यर्थी को अपना टेक्स्ट बुक OMR शीट लिखने देते हैं
तो रद्द कर घोषित नहीं किया जाएगा, यानी कि आपका रिजल्ट रद्द कर दिया जाएगा और घोषित नहीं किया जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि आपको देखिए ऐसी गलती नहीं करनी जो मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए ना, ठीक है। इन पॉइंट्स का आपको ध्यान करना होगा, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इस PDF के, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है, पढ़ भी सकते हो। वैसे मैंने आपको सारा बता दिया है, ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनका आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। आपको ऐसी गलती नहीं करनी होगी, वरना आपका 3 साल के लिए, अगर इस केस के आप अंडर में पाए जाओगे तो 3 साल के लिए आपको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। आप किसी भी एग्जाम्स में बैठने लायक नहीं रहोगे, ठीक है। 3 साल तक आप घर बैठोगे, अपना जो भी धंधा पानी वो कर लोगे, बस आपको कोई भी एग्जाम्स में अलाउ नहीं किया जाएगा, ये यूनिवर्सिटी के द्वारा नोटिस निकाला जाएगा, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना। आप दूसरा आपका रिजल्ट रोक लिया जाएगा, आपका रिजल्ट नहीं आएगा, प्लस रोकने के बाद में उसे रद्द कर दिया जाएगा, आपका रिजल्ट कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो प्यारे स्टूडेंट्स हो, मैं उम्मीद करता हूँ आपके ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी है वो समझ में आई होगी, ठीक है। समझ में आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं प्यारे विद्यार्थियों। अगर चैनल पर अभी तक जुड़े नहीं हो तो DV प्रो एजुकेशन के साथ में जुड़ें और UPGNM नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें अच्छे ढंग से, ओके, ठीक है भाई। समझ में तो आया ना, जितने भी मैंने बताए आपको, ये सारे रूल्स बताएं, सारे आपको नियम बताएं, क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, ओके। चलते हैं फिर, करते हैं वीडियो को स्टॉप प्यारे बच्चों। और एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा आपके लिए बहुत ही जल्दी, बायो के, ठीक है, क्या कि बायो प्लस इसको हम बोल सकते हैं साइंस, जिसे हम बोलते हैं साइंस, ठीक है, साइंस यानी विज्ञान। तो आपकी साइंस की दोस्तों बुक आने वाली है बहुत ही जल्दी, आपकी बुक आने वाली जिसमें 1500+ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसमें चैप्टर वाइज आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको MCQ क्वेश्चंस जिसमें दिए जाएंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज यानी कि एक चैप्टर से आपके कितने, एक चैप्टर से करीबन 100+ MCQ आपको देखने को मिलेंगे उस बुक में, ओके। तो बहुत ही जल्दी आपके सामने आने वाली है दोस्तों, ओके। टाइपिंग चल रही है अभी, करते हैं फिर वीडियो को स्टॉप, वीडियो काफ़ी लंबी होगी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय जय भारत।